जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सियालकोट में आज जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि उस बंदे ने तुहीन रसालत की थी। और मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं। और लेकिन जो उधर के लोगों ने किया वो बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने तुहीन रसालत की थी तो लोगों को खुद नहीं था फैसला लेना चाहिए, उसे ऐसा नहीं था मारना चाहिए, उसे कानून के हवाले करना चाहिए, तो उसे सज़ा देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ कि यार बुरा हुआ है, ऐसे पाकिस्तान की इमेज भी नहीं ठीक। इंडिया के लोग पाकिस्तान पे वीडियो बना के लगा रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, काफ़ी बुरा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुहीन रसालत की है तो करनी नहीं चाहिए थी उसको, अगर कर दी उसने तो उससे चाहिए था कि इसको कानून के हवाले किया जाए, इसकी सज़ा दी जाए, तहकीक की जाए इस बारे में पहले, उसके बाद भी फैसला लिया जाए। ऐसे ही उसे मार के आग लगा देना ये कोई बात नहीं थी यार। वैसे तो अभी आप इन दो बंदों की वीडियो देखें जो कि कह रहे हैं, जो कि इस सानहा में शामिल थे, और देखें क्लिप और फिर बताइएगा। कुमार पेपर के उत्ते लिखे आई दीवार उत्ते लब्बे की या हुसैन लिखे आई कि दुरूद शरीफ पढ़े सुबह आते वक्त, उसने वो फाड़ के बासकिट के उत्ते सुटिया, बासकिट पर सुट छे आए। तो असी अपने जरा फोरमैन कहा कि यार गलत होया तो इन्हू कह माफ़ी मंगी, अगो जरा ना गल करता करता नस गया अंदर दफ्तर से। असी अपनी मैनेजमेंट ने गल की है, उन्होंने कि फिर आप रल मिल के जरा ना अं सारे कट्ठे हुए हैं उन्होंने जलील खुआर करके ना वासले जहन्नम कर छड़े है। तो आइंदा जरा भी इंज करेगा साढ़े अंबिया ग्राम के बारे हजूर आपके नाम पर जान भी खुड़वान, क्योंकि मन सपा नबीन फक्तुल हमारे नबी पाक ने हदीस के हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। आपके नाम पर चाबी कुर्बान। मोहम्मद तलहा फरहान मोहम्मद फरहान दीवार के ऊपर जा हुसैन लिखा हुआ था, जा हुसैन उसने आकर फाड़ा है, जो फाड़ कर बस में डाल दिया है, फेंक दिया। वो हमसे ना गुवारा नहीं हुआ, हमने वैसे बात की है, वो कह रहे हैं ये बात तो गलत है, लेकिन हमने कहा नहीं ये ना आगे ना मैनेजर से बात करें, जिसने जो भी किया है गलत किया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं आगे, हमने कहा नहीं अभी भी बात होनी है, नहीं तो हमने काम नहीं करना। तो कहते ठीक है, फिर हमने ना साथ लड़के के लिए साथ तनाई था वो भी साथ आया, और हमने ये एहतजाज किया, फिर उसको ना उनका जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा, ये सियालकोट में दूसरा ऐसा वाक्य हुआ है, जो एक तो पहले हुआ था जी आज से तकरीबन 9-10 साल पहले हुआ था, जो कि लोगों ने मार दिया था दो भाइयों को, जिनके जिन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो सेम ऐसे ही किया इधर भी लोगों ने, तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल स्टोरी क्या थी इसमें, वाकई इसने तो ही निरसालत की थी, अगर की थी तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, और लोगों को भी ऐसा नहीं था करना चाहिए।